तो राधे राधे, आप सभी का सिस्टर के संसार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग से कुछ बहुत ही अनमोल बातें करने आई हूँ। जैसे कि मेरे घर में, आप सभी को पता है, मेरे ब्लॉग देखते होंगे कि मेरी बहन को हुआ था डेंगू, और इसके पहले मुझे भी हुआ था, पर मेरा इससे कम प्लेटलेट्स आता था, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था। मेरे को डॉक्टर बोलता था पर मैं इधर उधर करके छोड़ देती थी, लेकिन मेरी बहन को हुआ था तो वे थोड़ा सा डल हो गई थी जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई। हमारे पास पैसा नहीं था, और आज के डेट पे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, कोई बीमारी होती है उससे ज़्यादा होता होगा, तो मैं हमारे पास पैसे नहीं थे, और मैं अपनी बहन को बड़े हॉस्पिटल में लेके चल गई इसकी हालत देकर। डॉक्टर ने क्या बोला कि इसको एडमिट कर दो, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बोला नहीं, मैं एडमिट नहीं करूँगी। पहले तो मैंने पूछा कि आप कितना चार्ज लेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं एक दिन का 10,000 लूँगा। ऐसे 10,000 बोले, मुझे ऐसे लगा कि एक दिन का 10,000 लेंगे, क्योंकि वो बड़ा हॉस्पिटल था तो वो दवा का पानी का तो कम लगेगा, पर वो अपना पूरा मेंटेनेंस जोड़ लेंगे। इसलिए फिर मैं डर गई और मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई। मैं डॉक्टर से बोली कि आप कुछ दवा लिख दो, उन्होंने सिर्फ दर्द का दवा लिखा, और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर तुम बुखार उतार सकती हो पानी पिलाकर तो उतार दो, उसके बाद ये जांच लिखता हूँ, डेली जांच होना चाहिए। मैं वहाँ से मुँह लटका के लेके घर चले गए, और रात भर अपनी बहन को, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैंने अपनी बहन को 3 लीटर पानी पिलाया, और उसने पानी पिया, और वो क्या पपीते के पत्ते का जूस भी पिलाया थोड़ा सा, बस 5 ml। फिर सुबह मैंने जांच कराया तो मेरी बहन का, जब सब फर्स्ट बार मैंने जांच कराया था तो 1,09,000 प्लेटलेट्स था, दोबारा जांच कराया तो 89,000 उसका प्लेटलेट हो गया था। आप सोच सकते हो कि मैं कितना डर गया, मतलब बहुत डर गया था। अब ऐसा लग रहा था कि कैसे भी कहीं भी ले जाकर पानी चढ़वा ही दे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरी बहन ने थोड़ा हिम्मत भी रखा। और फिर दूसरे और करवा चौथ का दिन था, ये भी बता दूँ, और हमारे भैया भाभी हमारा इतना साथ दिए कि हमारी भाभी व्रत थी, और हमारी बहन का जब रिपोर्ट आया तो हम बिल्कुल कहा जा रहा सब कुछ देखने वाले थे, और हम ही परेशान हो गए, हम कहाँ लेके जाए, रोने लगे। फिर भैया भाभी ने बोला कोई कुछ नहीं हुआ, चलिए दूसरे जगह लेके चलते। फिर एक नॉर्मल छोटे से डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, और वहाँ पर बहुत ही फनी वाली बात हुई, मेरी बहन अपना रिपोर्ट नहीं ले जाकर मेरा रिपोर्ट, सॉरी गाइस, पटाखे फूट रहे, मेरी बहन अपनी रिपोर्ट नहीं ले जाकर मेरी रिपोर्ट लेके चली गई। और डॉक्टर ने जैसे ही रिपोर्ट देखा बोला इसको तो अभी तुरंत भर्ती करना पड़ेगा। अब मैं डर गई, और जैसे वो WBC बोला तो उसने दिनांक मतलब डेट देखा तो बोला अरे ये डेट तो बहुत पहले का। मैं बोली डॉक्टर साहब वो मैं हूँ जिसका रिपोर्ट है, और ये लड़की वो है जिसको मैं दिखाने के लिए लाई हूँ। मेरी बहन को उसने देखा और बोला कि इनकी भले प्लेटलेट कम है लेकिन ये देखने में अच्छी खासी लग रही है, तो हम इनको भर्ती नहीं कर सकते, ले जाइए खिलाइए पिलाइए, और दवा दिया 2 दिन का, और बोला 2 दिन के बाद जाँच होगा इनका। मैं बोली कि और सब डॉक्टर बोल रहे हैं भर्ती करने के लिए, आप बोल रहे हैं भर्ती नहीं करेंगे, तो बोला कि देखो भले प्लेटलेट कम है, आप यहाँ से कुछ समझिए, भले आपका डेंगू में प्लेटलेट कम हो, लेकिन जो आपका मरीज है ना वो स्वस्थ मतलब स्वस्थ रहना चाहिए, खाना पीना चाहिए, मतलब उसको उल्टी वगैरह दस्त वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर जो खा पी रहा है उसका शरीर में लग रहा है तो उसको कहीं भी भर्ती करने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि डेंगू का कोई दवा नहीं बना है, उसको खाने पीने से हम ठीक कर सकते हैं, और पानी चढ़वाते हैं और उसमें थोड़ा बहुत कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, तो हम वो चीज़ ना करके घर पर खाना करके सही कर सकते हैं। तो वहाँ से अपनी बहन को लेकर आए, उसके बाद से अपनी बहन को नारियल पानी, पपीता, सेब, कीवी और मौसम्बी ये सब खिलाए, और खाना भी थोड़ा बहुत मेरी बहन खा लेती थी। पानी 3 लीटर प्रॉपर मेरी बहन पानी 3 लीटर 4 लीटर एक दिन में पी गई थी, मतलब 2 दिन के बाद जांच हुआ, उसने मान के चलिए 4 लीटर मेरी बहन या 3 लीटर 6 लीटर 2 दिन में उसने पानी पिया था, और ये सब फल खाया था। उसके बाद हमने जांच कराया, आज मेरी बहन का मतलब रिपोर्ट इतना अच्छा आया है, मतलब इतना अच्छा है कि हमारा समझिए कि 100 में से 25% एकदम, जो वो भर्ती करने वाला वो चीज़ था ना, जो मैं डरती थी कहाँ भर्ती करूँगी क्या करूँगी इतना पैसा कहाँ से आएगा, वो डर से मैं बच गई। और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मेरी बहन को जाता है कि मैंने वो चीज़ बोला खाने के लिए और उसने खाया, क्योंकि जब बीमार होता है ना इंसान को उसको अच्छे से अच्छी चीज़ें खाने का मन नहीं करता, लेकिन मेरी बहन ने खाया और आज वो मतलब 25% बिल्कुल स्वस्थ है, और ऐसे ही खाने की उसको जरूरत है ताकि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही हो जाएगी, हड्डी में थोड़ा दर्द है वो सही हो जाएगा। तो इस बात से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी डेंगू का वो होता है या पूरा भी, अगर आपका प्लेटलेट कम भी हो रहा है ना लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं है शरीर में, यानी शरीर से बाहर ब्लड नहीं आ रहा, आप जो कुछ खा रहे हो शरीर से बाहर नहीं आ रहा है, तो आप खाते पीते रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए, फल खाइए, फल में कीवी खाइए, ऑरेंज खाइए, और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा फल यही खाइए आप, और पानी पीते ही रहिए, आप 2 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं तो हम गारंटी लेते हैं कि भाई 25% 30% बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, जो भर्ती करने का वो रहता है ना वो चीज़ नहीं रहेगा। लेकिन मेरे वीडियो बहुत से आप देखिएगा, आप जो कुछ खा रहे हो वो बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर वो बाहर जा रहा है तो भर्ती कराइए, जो कुछ खा रहे हो शरीर में लग रहा है तो बिल्कुल भर्ती कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज का वीडियो अभी यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल एक वीडियो है, जिसको भी डेंगू होता है या नहीं हुआ है वो जरूर देखें, उनको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बाय बाय।